सो हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू इरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा। सो शुरुआत कर दिया हूँ। कल रात को मैं ऑलरेडी लाइव आया था, तब मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से मेरे चैनल में डेली काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज आएंगे एंड दिस काउंसलिंग हेल्प विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज या कुछ भी सॉल्व करने के लिए, कुछ भी हेल्प करने के लिए हम लोग कोई भी मनी चार्ज नहीं करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, कि जो ये चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का काम है ये कैसे करना है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के काम के लिए क्या करना है, उस पोर्टल में जाना है, लॉग इन करना है। हो सकता है कि अभी सर्वर इशूज आ रहे हों, क्योंकि सर्वर इशूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ लॉग इन कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे एक साथ उसमें गए होंगे, है ना, बहुत सारा ट्रैफिक आया होगा साइड में, जिसकी वजह से सर्वर इशूज आ रहे होंगे। सो थोड़ा सा लेट नाइट ट्राई कर लीजिएगा, और यदि लेट नाइट ट्राई नहीं करना तो डे आफ्टर टुमारो ट्राई करिए या कल ट्राई करिएगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। तो देखो, चॉइस फिलिंग के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि चॉइस यदि एक बार लॉक हो गई तो दोबारा आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यदि एक बार चॉइस लॉक हो गई तो दोबारा उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो चॉइसेस आपकी फील होंगी, ऐसा नहीं होगा कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाने के बाद आपकी चॉइसेस चेंज हो सकती हैं। आप जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फील किए होंगे वही चॉइसेस आपको लास्ट राउंड तक, मतलब उसी उन्हीं चॉइसेस पे ही आपकी काउंसलिंग होगी। सो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत उपयोग करना है चॉइस को फील करते वक्त, ठीक है। ये तो दूसरी चीज़। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बाद भी, चॉइस फिल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जैसे कि IIT खड़गपुर माइनिंग इंजीनियरिंग, ओके, कोर्स का नंबर भी दिया हुआ है। उस कोर्स को चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप PWD ना हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को या कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं वो कंडीशन के हिसाब से, जैसे माइनिंग में जाकर नीचे काम करना है या माइनिंग एजुकेशन से रिलेटेड यदि वर्क में कलर ब्लाइंडनेस एक रोल प्ले कर सकती है, तो इसीलिए लोग पहले से ही बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसीलिए चॉइसेस फिल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ कि आप कलर ब्लाइंड हैं, आप PWD में आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके गाइस, सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि इन बातों से हमें बचना है। सो ये कैसे पता करेंगे कौन कौन से कोर्स अलाउड नहीं है चॉइस फिल करने से पहले, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जोसा की साइट पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज का एक ऑप्शन दिया सबसे ऊपर, चेयरमैन डेस्क, सॉरी मैसेज फ्रॉम चेयरमैन डेस्क, उसके बगल में है, उसी के जस्ट बगल में है, यू विल चेक देयर एंड यू विल गेट एवरीथिंग। अभी बिजनेस रूल नहीं आए हैं, बिजनेस रूल का मतलब कब कौन से राउंड में क्या क्या कैसे होने वाला है, किस शब्द का क्या मतलब है, कब कहाँ क्या होगा, कितनी फी लगेगी, कौन कौन एलिजिबल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि बिजनेस रूल के अंडर पे आती है अभी तक नहीं आई हैं, होपफुली आ गई हो। तो मैंने कहता कि मैंने साइट चेक नहीं किया एक डेढ़ घंटे पहले से, तो ये हो गया। चॉइस फिल करते वक्त हमें करना क्या है समझिएगा, तो चॉइस फिल करते वक्त हमें प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी वाला हो, मतलब जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें लेना है। क्या बोला मैंने, कि जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें लेना है, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें सोचना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कि ये सब्जेक्ट हम सबसे पहले फिल करेंगे। थोड़ा माइक से रिलेटेड इशूज था। ओके, सो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट को फिल करना है जिसको हमें सबसे पहले चाहिए, जैसे कि हमारी AIR 1 है तो हम IIT बॉम्बे CS भरेंगे, क्योंकि हमको यही चाहिए, या हमारा मनपसंद सब्जेक्ट कुछ भी, क्योंकि याद रखिएगा जो सब्जेक्ट ऊपर होगा उसके मिलने के चांस पहले होते हैं यदि आपके रैंक के हिसाब से आप एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए तो। और यदि याद रखिएगा, यदि आप गलती से, लेट अस अज्यूम कि आप IIT BHU की सिविल ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप उससे IIT BHU की माइनिंग फिलअप कर दे रहे हैं, तो आपको याद रखिएगा IIT BHU की माइनिंग ही मिलेगी पहले, IIT BHU की सिविल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि IIT BHU की माइनिंग ऊपर ही मिल चुकी होगी तो सिविल के लिए वो जाएगा ही क्यों आपका कर्सर, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें प्रायोरिटी सही से डिसाइड करनी है कि हमें कौन सी ब्रांच ऊपर बढ़नी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, जब ब्रांच अपग्रेड होगी तो डुअल डिग्री वाला डुअल डिग्री में ही अपलोड होगा, और जो अंडर ग्रेजुएट वाला होगा अंडर ग्रेजुएट में ही जनरली अपग्रेड होते हैं। फिर
ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ब्रांच अपग्रेड का भी आप सोच रहे होंगे कि चलो अब हम चॉइस कोई भी ले लेते हैं, कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, बाद में आप ब्रांच अपग्रेड कर लेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि हर अलग अलग कॉलेज के ब्रांच अपग्रेडेशन के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। आपके भैया ने बताया होगा कि भैया 80 नंबर पा जाओ ब्रांच अपग्रेड हो जाती है, तो हो सकता है कि वो आईआईटी खड़गपुर को बता रहे हो, लेकिन आईआईटी बीएचयू के रूल्स अलग है। आईआईटी बीएचयू में 10% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ब्रांच अपग्रेड होता है, लेकिन आईआईटी कानपुर में 2-3% बच्चों का ब्रांच अपग्रेड होता है। सो इन सारी बातों का ध्यान रखना है ब्रांच की चॉइसेस फिलअप करते वक्त कि हमें कौन से कॉलेज के लिए फिल करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बाद भी मैं आगे चल करके एक दो वीडियोस और बनाने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, ठीक है। मैं अभी डेमो दे के दिखाऊंगा आप लोगों की चॉइस फिल कैसे करना है, उन्हें लॉक कैसे करना है, लॉक कब करना है, लॉक कब नहीं करना है, एक लॉक क्यों करना है, बहुत सारी चीज़ों पे डेली वीडियोज आएंगे, ओके। तो चॉइस फिलिंग के पहले आप एक काम करिए, पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने अपने टाइम पे कैसे लिस्ट बनाई थी मैं आपको बता रहा हूँ। यार ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ चॉइस तुम कितनी भी फिल कर सकते हैं, जितने के लिए हम एलिजिबल हम उतनी फिल कर सकते हैं, है ना। तो क्या ही टेंशन है, हम पूरी चॉइस फिल करेंगे, है ना। हमें ऐसे सोचा था, तो मैंने पहले सोचा कि मुझे सीएसई लेनी है, तो मैंने टॉप 7 एनआईटीज सर्च करी और टॉप 7 एनआईटीज की सीएसई डाल दी। अब समझना, अब नीचे की एनआईटीज जो सीएसई होगी वो टॉप एनआईटीज के इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कमजोर मानी जाएगी। तो अब मैंने क्या किया उसके बाद, नाउ नेक्स्ट टॉप 7 एनआईटीज की इलेक्ट्रिकल ब्रांच को डाला, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उससे लोअर ऑर्डर वाले मतलब सीएससी डाला, ये सब डाला। ये मैंने अपने तरीके से ट्रेंड फॉलो किया था। और देखो मैंने कितनी चॉइसेस फिल की थी, मुझे याद है कि मैंने 300-400 चॉइसेस फिल कर दी थी। और मेरे को जो मिला था फर्स्ट राउंड वो 269 वाला मिला था, बाद में आगे आ गया था मैं जब ब्रांच मतलब मेरा जब अपग्रेड हुआ और फिर मेरे को आईआईटी मिला, वो बात अलग थी। लेकिन मैं नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करने से पीछे नहीं हटा था। मैंने तो आईआईटी बॉम्बे का सीएस जिसके लिए मैं एलिजिबल भी नहीं था मैंने वो भी भरा था। क्या ही फर्क पड़ता है यार, अच्छे से भरो ना, शांति से बैठ के 2 घंटे आराम से भरो, कोई जल्दीबाजी थोड़ी है। सो पहले एक रफ वर्क कर लो कि मुझे कौन सा कॉलेज क्या चाहिए, मेरी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, मुझे क्या रखना है, और उसके बाद उसको रफली बना लिया और उसका फेयर आप अपने कॉलम पे जाके करिए। उसमें सब कुछ होता है चॉइस फिल करने में। मैं डेमो करा के दिखाऊंगा कि ऊपर बजाने का, नीचे ले जाने का, उसको हटाने का, कुछ नया ऐड करने का, नंबर चेंज करने का, डायरेक्ट कॉलम चेंज करने का, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो मैं डेमो देके दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो ये तो था कि चॉइस फिलिंग के पहले। और देखो बहुत सारे बच्चे घबरा के फोन कर रहे हैं कि सर हमारी साइड नहीं खुल रही है, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, हमारा बला 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 बला। यार जस्ट वेट, थोड़ा सा सर्वर इशूज आ रहे होंगे इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। और टेंशन मत लीजिए, हम हर टॉपिक को कवर कराएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ वीडियोस। ओके गाइस, सो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आने वाले 20-25 दिन हम लोग आपको दिन रात मदद करने वाले हैं। और वो मदद आपके पास तभी तक हम पहुंचा सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा पाएगा। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्प कर रही है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बिकॉज आपका जो लाइक होता है वो मेरे लिए एज अ एप्रिसिएशन वर्क करता है। सो गाइस कीप वॉचिंग डी, मेरा बाबा चेक कर रहा है। Nice day.